हाँ गाइस, आज का दिन इतना फालतू निकल रहा है ना यार, मैं क्या ही बोलूं। एक सेकंड देख रहा, आसमान में रॉकेट्स ने क्या बना दिया। मतलब रॉकेट्स नहीं, क्या बोलते हैं उन्हें, अरे फ्लाइंग जेट्स बोलते हैं। एक सेकंड, तो यहाँ पर कब आ गया? और फ्लाइंग जेट नहीं होता यार, फ्लाइंग जेट होता है वही, ऐसी लकीर सी बना जाते हैं आसमान में धुएं की। अरे आपकी बातें सुन के आया था, मैं भी देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या बन गया है आसमान में जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। देखने में तो खतरनाक ही है जो भी बना ये। हाँ, कल मेगा रैंप जीतने के बाद जो मजे आए थे ना यार, एकदम ओपी थे। अरे बात तो बिल्कुल सही बोले तुमने, क्या खतरनाक तरीके से रहा तुमने पेनीवाइज को। हाँ यार, हरा करके मजे ही आ गए थे। खैर, अभी कुछ दिनों पहले तक हम तुम्हारी हड्डी वगैरह तोड़ रहे थे, उसमें मजा बहुत आता था। पर मतलब आप कहना क्या चाहते हो, हमारी हड्डियाँ तोड़ने में मजा आता था आपको? अरे और नहीं तो क्या, तेरे को भी तो मजे आए थे यार। अरे मजे तो आए थे, लेकिन जब आपने मेरी हड्डी तोड़ी थी तब थोड़ी मजे आए थे। तू तो पर कह रहा था। अरे हाँ, इसने बोला तो था उस वक्त। हाँ यार, और चौप की हड्डियाँ तोड़ी थी तब भी मजे आए थे, है ना चौप? मेरे को तो बिल्कुल नहीं आए। तुझे नहीं आए मजे? नहीं, दूसरों की हड्डी टूटते हुए देखना में आता है असली मजे। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, आपने हमारी हड्डियाँ तो तोड़ी लेकिन खुद की तो तोड़ी ही नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। अरे अरे अरे, क्या हो गया क्या हो गया? अरे हाँ गाइस, आप जल्दी से लाइक दबा दो ताकि अपनी भी हड्डियाँ तोड़े, मैं तीन तक गिनूंगा। 3, 2, 1। मतलब तू कहना क्या चाहता है? यही कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अपनी हड्डियाँ तोड़ के दिखाओ सारी की सारी। अरे यार, मतलब मैं अपनी हड्डियाँ तोड़ू? और नहीं तो क्या। चल बे पागल, समझा गया तूने मेरे को, मैं क्यों तोड़ू अपनी हड्डियाँ? मैं जानता हूँ आप एकदम ही फट्टू इंसान हो, नहीं तोड़ने वाले अपनी हड्डियाँ। एक सेकंड, ये तो तूने गलत चीज बोली, मैं बिल्कुल भी फट्टू नहीं हूँ। और तेरे को अगर मेरी हड्डियाँ टूट तो ये देखनी है ना, तो चल ठीक है, तो फिर आजा दिखाता हूँ तेरे को हड्डियाँ तोड़ के अपनी। यार ना बात, किसी को भड़काना तो कोई शिनचैन से सीखे। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, मैं हूँ इस चीज में मिस्त्री। मिस्त्री नहीं, वो मास्टर होता है। अरे हाँ जो भी हो। खैर अब छोड़, तेरे से तो बात ही करना बेकार है, तो फिर मेरी हड्डियाँ ही तोड़ने ना, तो ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग फोड़ने वाले हैं मेरी हड्डियाँ, तो फिर चल आजा जल्दी से, चलते हैं शिनचैन, हड्डियाँ तोड़नी स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जल्दी से, चलो ना मैं बोलूंगा आपकी हड्डियाँ तोड़ते वक्त। अच्छा चल ठीक है, तू बोल लियो। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि नॉर्मल इंसान अंदर होती है पूरी की पूरी 2600 हड्डियाँ। अबे 2600 नहीं होती, 206 होती है। अरे हाँ मैं भूल गया था, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं हूँ ही इतना ज्यादा खास। क्या यार, तारीफ वाली बात नहीं है कोई, तू भुलक्कड़ है इस हिसाब से। अरे तो क्या हो गया, अब मेरी आगे की बात तो सुनो। हाँ चल ठीक है बोल। तो गाइस, जिस तरीके से नॉर्मल इंसान में होती है पूरी की पूरी 206 हड्डियाँ, और बच्चों में होती है पूरी की पूरी 3000। अबे 3000 नहीं, 300 से भी ज्यादा हड्डियाँ। अरे हाँ जो भी हो, 300 से भी ज्यादा हड्डियाँ। हाँ आप सही बोला। ठीक उसी तरीके से गाइस, मैक्स फाइव एकदम नॉर्मल इंसान है और इनके अंदर है पूरी की पूरी 206 हड्डियाँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। हाँ तो अब हम सारी की सारी हड्डियाँ तोड़ने वाले हैं इनकी। बिल्कुल मजे से। मेरी हड्डियाँ टूटते हुए देखने के मजे लेना चाहते हैं यार ये लोग, कैसे कैसे लोग हैं। अरे क्या, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हाँ क्या ही बोलूं मैं, चल ठीक है तोड़ लेते हैं अपनी हड्डी। वैसे भी फिर ये नाइंसाफी होगी तुम लोगों के साथ कि मैंने सबकी हड्डियाँ तोड़ी अपनी नहीं तोड़ी। अरे वही तो। हाँ तो ठीक है गाइस, तो फिर चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे शिनचैन? अरे मैं ले चलूंगा, आप चिंता मत करो, पादम पदूड़ी पद्दू। एक सेकंड, तेरा जादू काम नहीं कर रहा क्या? अरे लगता ऐसी रहा है गाइस, जिसने भी लाइक का बटन नहीं दबाया जल्दी से दबा दो, फिर देखो कैसे जादू काम करता है। पादम पदूड़ी पद्दू। एक सेकंड, ये मेज बैंक के ऊपर ले आया तू? अरे और नहीं तो क्या। अरे यार मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं इसके ऊपर से कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे नहीं मरोगे, इतनी भी ज्यादा चोटने लगेगी। हाँ इतने भी ज्यादा कमजोर थोड़ी हो आप। अच्छा तो तू ऐसा समझता है। अरे और नहीं तो क्या, कूद के तो देखो। अरे यार चल ठीक है मैं कूद जाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग कूदने वाले हैं मेज बैंक के बिल्डिंग के ऊपर से, और देखते हैं कि हमारी कितनी हड्डियाँ टूटेंगी। अभी तक तो हमारी एक भी हड्डी नहीं टूटी है, अभी नीचे की ओर चलते हैं। तो गाइस एक काम करता हूँ, एलिवेटर पे पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि मैं कूद पाऊंगा नहीं। और गाइस कूद जाता फाइनली यार, ये क्या करा मैंने। पर कोई बात नहीं, अब हमारी हड्डियाँ टूटनी स्टार्ट हो चुकी है। और देखते हैं गाइस एकदम एंड पे पहुंच के कितनी हड्डियाँ टूटी है हमारी। एक सेकंड, यहाँ पर कूदने से गाइस हमारी केवल 60 बोन्स टूटी, ये कैसे पॉसिबल है? केवल 60 हड्डियाँ टूटी गाइस। और बताओ कैसा लगा इतनी ऊंचाई से कूद की, आपकी तो केवल 60 हड्डियाँ ही टूटी। हाँ यार केवल 60 बोन्स ब्रेक हुई गाइस हमारी, ये चीज देख करके तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हूँ यार मैं। अवेंजर का साथ दे देते तो शायद मेरी हड्डियाँ थोड़ी सी मजबूत हो गई। अरे हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उनका सारा काम हमें ही तो करना पड़ता है, हानी तो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे यार शिनचैन। तो गाइस अभी हम लोग को नेक्स्ट काम कहाँ पर पूरा करना है बता शिनचैन, कहाँ पर अब हम जा रहे हैं अगली जगह हड्डियाँ तोड़ने? अरे आप करते थे हमेशा, आप बताओ। अच्छा ठीक है, तो फिर चल अभी हम लोग मेज बैंक के ऊपर से कूद चुके हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, किसी गाड़ी या फिर ट्रक से अपने आप को ठोकर लगवाते हैं खतरनाक वाली। अरे इसका मतलब आपको एक्सीडेंट करवाना है अपना? हाँ यार कहीं से गाड़ी वगैरह आ जाए। अरे उसके लिए आने की क्या जरूरत है, मैं ठोक देता हूँ। तू ठोक देगा? अरे और नहीं तो क्या, बस एक ट्रक का इंतजाम करना है। ट्रक का इंतजाम वो कहाँ से होगा? अरे सब कर दूंगा मैं,
एक सेकंड रुको बस, पादम पदोड़ी पद्दू। एक मिनट, ये कहाँ चला गया? अरे मुझे क्या पता, शायद से ट्रक लेने गया है। ट्रक लेने कहाँ गया यार, एकदम से गायब हो गया। पता नहीं अब कितनी देर में आएगा, क्या लगता है तेरे को कितनी देर में आएगा? अरे आ ही रहा होगा बस। अरे इनो मैं आ गया। एक सेकंड आ गया तू, अरे ट्रक लेके आया तू? ये कहाँ से लाया, ये तो आर्मी वाला ट्रक लग रहा है। अरे आर्मी वाला ट्रक है तो आर्मी के बेस से ही लाऊंगा ना, आप भी ना एकदम बच्चों जैसी बातें करते हो मैक्स भाई। अरे अच्छा ठीक है, तू आर्मी के बेस से ले आया, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात कही तूने। लेकिन तेरे को पता वो लोग ट्रैक कर लेते लोकेशन। अरे ऐसी बात है क्या? हाँ, अब जल्दी जल्दी चल, मेरे को तोड़, मतलब मेरे को जल्दी से ठोक ला करके ट्रक। अरे एक सेकंड, अभी ठोक देता हूँ। गाइस इसी काम का तो वेट कर रहा था मैं। चुप, तुम मेरे साथ चलोगे या फिर इन्हीं के साथ खड़े रहोगे? अरे तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ तो फिर जल्दी से जा ना तू उसके साथ। अरे जा रहा हूँ। अरे हाँ जल्दी से आ जाओ, अब मैं चलाने वाला हूँ इस गाड़ी को, मतलब इस ट्रक को। अरे आया बैठा एक सेकंड। अरे चलो बैठ गया मैं। ठीक है तो फिर हम लोग पीछे से आते हैं। हाँ यार तुम आओ पीछे से। अरे वो मेरा तो सपना सा पूरा हो रहा है, मैक्स भाई को उड़ाने का ऐसे ट्रक से। अरे हाँ मेरे को भी मजे आएंगे उसको उड़ता हुआ देखने में। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे बस ऐसी बात कर रहे थे हम लोग, मजे आएंगे अब। अरे चलो ठीक है, जल्दी से आके ठोको मुझे। अरे हाँ आते हैं, देखते हैं कि कितना ऊंचा उड़ेंगी। तो गाइस अब रेडी हो जाओ, हम लोग ठोकने वाले हैं मैक्स भाई को। आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो तब तक, अगर अब तक नहीं दबाया है तो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि इनके अड्डे अच्छे से टूटे। ये लो, अरे ये तो नीचे ही दब गए थे। अरे वाह क्या खतरनाक मारा है तुमने, देखो उसने तो गुटका ही ठोक दिया मुँह का। मैं गुटका नहीं चबाता। अरे मैं तो ऐसे कह रहा था, मुझे भी पता है तुम्हारा खून है। हाँ आप सही बोला तूने, रुक जा, मेरे पैर के ऊपर लगी अच्छे से। अरे आप तो मरे हुए लग रहे हो। हाँ पर मैं मरा नहीं हूँ, एक मिनट यार मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुमने मेरे ऊपर से टायर घुसेड़ दिया यार एकदम ही, और मेरी अभी तक पूरी की पूरी 84 बोन्स टूटी है। ये कैसे बच जाते हैं बार बार, इनकी हड्डियाँ तोड़ना तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हाँ चल कोई नहीं, अब मैं उठता हूँ जरा। अरे अब तुम्हें लग कैसा रहा है? मैं ठीक हूँ, मेरी लेकिन 84 बोन्स ही टूटी यार, ये चीज देख करके मैं थोड़ा सा अभी चौक रखा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग अपनी पूरी की पूरी हड्डियाँ तोड़ने वाले हैं। तो फिर एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे जाने के बाद किसी जेट से अपने आप को टक्कर लगवाते हैं। अरे फ्लाइंग जेट से? फ्लाइंग जेट नहीं यार, फ्लाइंग जेट होता है यार, क्या यार, टाइगर श्रॉफ से थोड़ी टक्कर लगवाऊंगा मैं खुद को। अरे हाँ ये भी सही बात बोली आपने। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिन चीजों को आज हम आसमान में देख रहे थे उन्हीं से टक्कर लगवाने वाले खुद को। तो चल तो फिर जल्दी से पहुंचा दे हमें एरोप्लेन एयरपोर्ट पर। अरे अभी पहुंचा देता हूँ। हाँ तो फिर पहुंचा दे पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड, हम लोग गाइस एयरपोर्ट के एकदम ही एंट्री पे, अबे अंदर लेके स्पॉन करना चाहिए था ना तेरे को। अरे मेरे को लगा गेट से जाएंगे आराम से। पागल है क्या यार तू, अब कोई नहीं मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, यहाँ से भी एक ही बात है गेट से जाने के बराबर वाली। तुम दोनों भी आ जाओ जल्दी से। अरे आ रहे हैं। हाँ जल्दी आओ। हाँ तो चलो ये दोनों भी आ गए अब फाइनली। अरे जल्दी से जाके ट्रैक पे खड़े हो जाओ ताकि कोई प्लेन आए तो आपके उससे टक्कर हो जाए। हाँ वही करना पड़ेगा, आ जाओ तुम दोनों भी। अब गाइस हम लोग आ चुके हैं, मेरी अभी तक 84 बोन्स ब्रेक हो चुकी है, और अभी मेरे को थोड़ी सी और तोड़नी है, मतलब गाइस अपनी सारी हड्डियां तोड़नी है गाइस मेरे को। तो अभी मैं यहाँ देख लेता हूँ, कोई प्लेन वगैरह तो दिख नहीं रहा, बाकी आवाज आ रही थी गाइस साइड से, देखो एक प्लेन आया गाइस। अभी थोड़ा सा वेट करा हमने तो, लेकिन ये भी जाने वाला है यार। अरे अब तो लगता है मेरे को ही प्लेन लाना पड़ेगा। तेरे को ही लाना पड़ेगा तो फिर ले आना, एक काम कर। अरे लेके आता हूँ पादम पदोड़ी पद्दू। वैसे साइड पे एक प्लेन खड़ा था फिर भी पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अब पक्का जेट लाने वाला है। मेरे को भी ये लग रहा है यार, अब वो जेट ही लाने वाला है। देखते हैं कि गाइस जेट से ठोकर खाने के बाद हमारे साथ क्या होता है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, एकदम ऊंचाई पर जाके वहां से कूदेंगे सीधा एकदम आसमान से। अभी तो खैर थोड़ा साइड में खड़ा रहता हूँ ताकि कोई और प्लेन मेरे को टक्कर ना मार पाए। और अब पता नहीं ये कब तक आएगा। अरे आ गया मैं। एक सेकंड, तू तो सच में फाइटर जेट ले आया यार, ये तो एक बारी में मेरी ऐसी तैसी कर देगा। अरे चिंता मत करो, देखते हैं ना क्या होता है। चल ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूँ ट्रैक के एकदम एंड पर, और तू ला करके सीधा मेरे को उड़ा दियो। अरे चलो वो तो चले गए, आ जाओ चौप जल्दी से बैठते हैं प्लेन के अंदर और उन्हें उड़ा देती है। अरे चलो मैं तो बैठ गया। अरे हाँ चलो जल्दी से चलते हैं गाइस, आगे से घुमा के लाएंगे प्लेन को एकदम से। अरे आप रेडी तो हो ना मैक्स भाई? हाँ यार मैं तो खड़ा हूँ, जल्दी से आके मार। तो फिर रेडी हो जाओ, मारे है। हाँ तो गाइस इन लोगों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया अभी, और देखते हैं कि मेरे को ठोकेंगे तो फिर मेरी कितनी ज्यादा हड्डियाँ टूटती हैं। और भाई साहब कितने ज्यादा फास्ट है यार ये लोग, आखिर है भी तो फाइटर जेट। भाई साहब मार दिया। और बताओ कैसा लग रहा है अब? ऐसी तैसी होगी मेरी, एक मिनट में खुद ही आके देखता हूँ। चलो जल्दी से उतरे चौक। हाँ उतरते हैं। अरे देखो यहाँ पे इसने पान थूक दिया। अरे यार क्या ही बोलूं मैं, ऐसी तैसी हो गई, बहुत जोर से लगता है यार प्लेन। अरे आप वो सब छोड़ो, अपनी हड्डियाँ देखो कितनी ज्यादा टूट चुकी हैं अब। एक सेकंड गाइस, 120 बोन्स टूट चुकी है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। आप जल्दी से खड़ा होता हूँ। अरे हालत भी है आपकी खड़े होने की? हाँ यार हो जाऊंगा, रुक आराम से
खड़ा हो जाता हूँ यार, कपड़े भी गंदे हो गए। अरे चलो अब एक काम करो, इस प्लेन के अंदर ही बैठ जाओ और एकदम ऊंचाई से कूद जाना। हाँ यार वही करता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको क्योंकि फिर मेरे को प्लेन छोड़ना पड़ेगा एकदम से। अरे हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली। हाँ तो गाइस अभी बैठ जाता हूँ इस प्लेन के अंदर और इसे सीधा लेकर के जाता हूँ और उड़ा लेता हूँ हवा में। तो अब जल्दी से गाइस हम हवा में चलते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाँ तो गाइस मैं काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ, अब यहाँ से कूदना एकदम सही रहेगा यार, इससे ज्यादा भी ऊंचा नहीं जा सकते क्योंकि इससे ज्यादा ऊंचा गया तो भाई साहब मैं फिर चांद पे पहुंच जाऊंगा और वहां पर तो फिर मैं गिर भी नहीं पाऊंगा यार क्योंकि वहां की ग्रेविटी इतनी कम है। अभी देखते हैं गाइस नीचे जाने के बाद कितनी हड्डियां टूटती है मेरी। हाँ बस ज्यादा टूट जाए यार, वैसे भी इतनी ऊंचाई से नीचे जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतने गंदे तरीके से क्यों हिल रहा था मैं अभी। हाँ तो गाइस अब देखते हैं कितनी हड्डियां टूटेंगी मेरी और ये मैं नीचे गिर गया। हाँ ऐसी तैसी हो गई यार। अरे ठीक तो हो ना आप? हाँ यार शिनचैन, एक सेकंड मैं आता हूँ आपके पास। अरे वाह इस बार तो आपकी पूरी 184 बोन्स टूट गई। हाँ यार 184 बोन्स टूट चुकी है गाइस हमारी। वाह कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, खैर इतनी ऊंचाई से यार ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा गाइस, एकदम से इतनी सारी बोन्स का टूट जाना भाई साहब। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ खैर अच्छी बात है, ये तो क्या करेगी जो बाकी की बोन्स है वो कैसे टूटेंगी। अरे अब तो ज्यादा तोड़नी भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, क्या ट्रेन के पटरियों पे चलते हैं। हाँ गाइस ट्रेन से टक्कर खा के देखते हैं कितने हड्डियां टूटती है हमारी, तो सीधा चलते हैं ट्रेन की तरफ। ट्रेन की तरफ, एक सेकंड तेरे पास जादू भी तो है, वो यूज कर लेते हैं। अरे वही तो मैं भी कह रहा था, पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड, ये कहाँ पर तूने स्पॉन किया हमें? अरे मैं भी कर गया फालतू में, मैं तो आराम से उतर रहा हूँ पर सीढ़ियों से। हाँ दिख रहा है वो हमें, बता के तो स्पॉन करा कर यार जहाँ पर भी करेगा। एक सेकंड रुक, यहाँ पर ट्रेन आ गई भाई साहब, एकदम से ट्रेन आ गई गाइस, अभी इन सब का भी एक्सीडेंट हो जाता मेरे साथ। हाँ पर खैर इस वाली ट्रेन पे हम नहीं चढ़ते, एक काम करते हैं नेक्स्ट वाली ट्रेन पे हम लोग देखेंगे कि कितनी हड्डियां टूटती है हमारी। एक काम करना थोड़ा सा बीच में चले जाता हूँ मैं। अरे बीच पे क्यों जा रहे हो? बीच पे नहीं मतलब बीच में, यहाँ थोड़ा मतलब दूर आ जाता हूँ मैं ताकि ट्रेन आए तो मेरे को दिख जाए थोड़ा दूर से ही, फिर हम लोगों का जो एक्सीडेंट होगा एकदम ही खतरनाक होगा। तो यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ मैं और इंतजार करता हूँ ट्रेन का। अरे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। अबे तू भी ठुक जाएगा, थोड़ा साइड में खड़े हो तू। अच्छा ठीक है। अरे देखो जो आप मजे आएंगी। क्या मजे आएंगे, मेरे को सब पता है कि तुम क्या देख रहे हो। देखते हैं गाइस ट्रेन आएगी तो फिर मेरी अच्छी खासी हड्डियां तो टूटेंगी। ओ तो क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें क्या है यार, इससे इसको आना जरूरी था भी। कल जो तुमने मुझे हराया, इतनी ज्यादा चीटिंग करते हो तुम लोग, तुमने तो जैसे करी नहीं थी। वही तो, अब एक काम करो शांति से यहाँ से चले जाओ वरना हमारे साथ तुम्हें भी टक्कर खानी है ट्रेन से। तुम ट्रेन से क्यों टक्कर खा रहे हो, इससे तुम्हें क्या करना है? तो गाइस मेरे को लग रहा है ट्रेन आ चुकी है फाइनली और अब थोड़ा आगे चला जाता हूँ मैं। कर क्या रहे हो पर तुम? तुम्हें क्या करना है उससे, क्या खतरनाक टक्कर हुई है। और गाइस हमारी पूरी की पूरी 200 हड्डियां टूट चुकी हैं, केवल 6 हड्डियां बची हैं। 6 हड्डियां तो मैं इस ब्रिज से कूद जाऊंगा तब भी टूट जाएगी यार। लेकिन इस ब्रिज से कूदने से पहले हम लोग इसका निपटा देते हैं जरा। एक मिनट, तुम मुझे मारने वाले हो क्या? और नहीं तो क्या, तो तुम्हारे लिए कुछ और करना है क्या? नहीं मैं तो यहाँ पर बस बात करने आया था, और तुम देखो तो खुद को, जब देखो तब मुझे मारती रहती हो बस। अरे यार तुम मेरे को बताओ कि क्या बात करने आए हो? यही बात कि अभी मैं शांत नहीं बैठूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है असलियत में अच्छी सी हारना। अच्छा ठीक है, वो तुम मेरे को बताते रहना, पर अभी तुम यहाँ से जाओ। इसीलिए मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी रोज रोज आ जाता हूँ मूठा की। हाँ इन लोगों का दिमाग खाने। बिल्कुल सही बोला यार तुम दोनों ने, अब केवल मेरी 6 हड्डियां बची है। वो एक काम करता हूँ मैं देख लेता हूँ बॉम्ब से कितनी हड्डियां फूटती हैं। तो गाइस बॉम्ब यहाँ पर डाल लेता हूँ, इसके ऊपर मैं खड़ा हो जाता हूँ, देखते हैं कि बॉम्ब से कितनी हड्डियां टूटती हैं। भाई मेरे पैर। अरे वाह टारगेट पूरा हो गया। हाँ सही कह रहा है शिनचैन यार, एकदम पास में बम फोड़ना यार एकदम अजीब हो जाता है, इतने गंदे तरीके से चोट लगती है। वही तो मैं भी सोच रहा था। चलो आप कम से कम टारगेट तो पूरा हुआ। हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। चल एक काम कर शिनचैन, जल्दी से पहले घर पे पहुंचा यार, मेरी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, अभी इन सबको जुड़वाना भी पड़ेगा अब। अरे फेविक्विक लगा के जोड़ लेना, उससे नहीं जुड़ती है यार, पट्टी वट्टी करनी पड़ेगी, जल्दी से ले चल। अरे ले चलता हूँ, पादम पदोड़ी पद्दू। हाँ चलो आ गए हम लोग फाइनली। वैसे ही यानी तो कल मेरा पैर टूट गया था, एकदम ऐसी तैसी हो गई थी, और आज तूने मेरी सारी हड्डियाँ और तोड़वा दी। अरे पर आज तो पता भी नहीं चल रहा आपको देख के कि आपकी हड्डियाँ टूट रखी है। क्योंकि मैंने यार पेन किलर्स खाए थे तो उनका असर अभी भी है शायद से, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना फिर पता नहीं क्या ही हो रहा होता अभी मेरे साथ। अरे भाई था तो वैसे क्या लगता है तेरे को, पेनीवाइज जो बोल के गया कि वो शांत नहीं बैठेगा उससे वो करने क्या वाला है? अरे पता नहीं ऐसा अपना डांस वांस निकालने वाला है वो फिर से। क्या फिर से, मतलब पहले कभी भी डांस निकाला है क्या उसने? और नहीं तो क्या, हमेशा वही तो करता रहता है
डांस ही डांस। खैर क्या ही बोलूं मैं। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तो चल यार शिनचान तेरे को कुछ बोलना है लोगों से। हां गाइस आज मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का। मुझे पता है हमेशा की तरह इसी भी पूरा करवा दोगी, तो प्लीज इसे जल्दी पूरा करवा देना। और हां अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूं। तो गाइस फिर से मिलेंगे आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ और इन मेरी टूटी हड्डियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।